आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग खबर औरैया जनपद से है। यहां शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब लखनऊ की टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ धर पकड़ शुरू की। करोड़ों रुपए बकाया वाला औरैया जनपद जहां बिजली चोरी एवं लाइन लॉस पूरे प्रदेश में सबसे अधिक होता है, लखनऊ की एटीएस टीम ने छापा मार प्रणाली को अपनाया जिसमें बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत करवाया है। बकायादारों के खिलाफ लगभग 50 कनेक्शन को काट दिया गया और लाखों का विद्युत बिल की राजस्व वसूली भी की गई। एटीएस की टीम ने बताया कि यह अभियान चलता रहेगा, अब कोई भी बिजली चोरी नहीं कर पाएगा। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। अभियान चलाया बिजली चोरी का, जो 1 लाख से ऊपर बकाया मीटर वालों का, और आपके जो लोग पैसे नहीं जमा कर रहे उनके लिए हमने गली कटिया चोरी चला रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। हम लोग लखनऊ से आए हैं एचएस टीम से, हम लोग का काम है इसको पूरा को रिकवरी करवाना। आपके शहर में जो भी अगर 5,500 रुपये से बकाया वाले हैं तो मैं 3 दिन से 31 तारीख तक हमारा अभियान चलेगा, वो सब पैसा वसूल कराएंगे। इनके ऊपर 135 धारा पे मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। और हमारे हम लोग आए हैं, आप लोग ही लोग बत्तियां देते हैं, उजाला करते हैं, आप लोग उजाले में रहते हैं और कोई दुनिया में ऐसा कोई लोग नहीं जो उजाला करता हो। अगर हम लोग के पास इसमें 350 करोड़ रुपए के लॉस में हमारी और कंपनी चल रही है औरैया, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द पैसा जमा करें तो प्राइवेट सेक्टर में ना जा पाए। हमारे अभियान के तहत कोई वसूली हुई है? वसूली आज हमारी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए वसूली हुई है, 2.5 लाख रुपए वसूली हुई है, और ये 19 लाख रुपए के मीटर कटे हैं और 48 कनेक्शन मीटर उखाड़े हैं। आगे की कल ये योजना है, कल भी हमारा ऐसा अभियान चलता रहेगा और अभियान जब तक चलता रहेगा जब तक आपके शहर की सभी को ठीक नहीं सभी बकायेदार अपना बिजली चोरी के लिए आपने क्या इंतजाम किए? बिजली चोरी के लिए अभी हम ड्रोन चलाएंगे 31 तारीख के बाद में, और जो भी अगर चोरी में करता हुआ पाया जाएगा उसका बायकायदा बना जाएगा और सीडी बनने के बाद उस पर बायकायदा मुकदमा बायकायदा कराया जाएगा। कितने ड्रोन? ये हम लोग 31 हैं, ड्रोन कम से कम हमारे चलेंगे 8 आपके पूरे शहर में जिसमें सुबह शाम सब जगह चलेंगे। हमके आदेश हमारा DM साहब की तरफ से भी होगा और प्रोडक्शन से पुलिस में जितनी जल्दी से परमिशन मिल जाएगी उतनी जल्दी से ड्रोन चलाना शुरू कर देंगे। माना जा रहा है काशीराम कॉलोनी काफ़ी बकाया माल। जी जी, काशीराम कॉलोनी में एक्चुअली जब से काशीराम कॉलोनी बनी है तब से आज तक किसी ने बिल नहीं जमा कराया। एक्चुअली इन लोगों की आदत नहीं है बिल जमा करने की। हम लोग वहाँ पे एक नया कैंप लगाएंगे और एक आदत उनकी बनाएंगे 100-200 रुपये जमा करने की, और जैसे ही काशीराम कॉलोनी में पैसा जमा होने लग जाएगा और फिर हम लोग को 32 दिन लग जाएंगे। अगर जो ज़्यादा ही उसमें अगर हम सर्वे करेंगे तो ओवरलोड लगा रखा है ऐसा, किसी किसी के काशीराम कॉलोनी में तो AC चल रही है, आप लोग क्या AC नहीं, उनका तो AC लगी तो वो देखेंगे उनका कनेक्शन काटेंगे। अब पूरी काशी कॉलोनी की मैं सर्वे सबसे पहले मैं परसों उन्हीं का करूँगा। इस कनेक्शन में कोई परेशानी आई हो? कोई परेशानी नहीं। सभी अधिकारी यही मैं जनता से भी अपील करूँगा कि सभी लोग कॉपरेट करें क्योंकि विद्युत बिल बकायेदार हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो अपना धीमे धीमे करके अपना बिल बकाया अदा कर दें। क्योंकि विभाग एक ऐसा है ये कि हम आपको पहले लाइट देते हैं, बिल हम बाद में आपसे देते हैं। यही हमारी गुजारिश है पूरी जनता आवाम से, सभी लोग अपना अपना बकाया पैसा। क्या नाम सर जी? क्या नाम? राहुल कुमार जी। हम लखनऊ से ATS से। तिलकनगर जमाल शाह तिलकनगर सैनिक कॉलोनी आदि मोहल्लों में ये अभियान चलाया है। इसमें लगभग आज 48 कनेक्शन काटे गए हैं, इसमें से लगभग 24 लाख बकाए थे। लखनऊ से बकाए वसूली के लिए ATS की टीम आई हुई है जिसमें 5,000 के ऊपर जो भी बकायेदार हैं उनका किया जा रहा है, और जिसका 50,000 से ऊपर का बकाया है उसका मीटर सही उखाड़ कर जब्त कर लिया जा रहा है। जब तक उपभोक्ता पूरा पैसा नहीं जमा करता है, अगर 1 महीने के अंदर वो पैसा नहीं जमा करता है तो उसकी फोर्स PD बना के RC